नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका बंसल एफएक्स मेडिकल कॉलेज में ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं अभिवीरा फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतनी मेहनत कर रहा है और उन्होंने मुझे जो अवसर दिया कि आपसे COVID-19 के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर सकूँ। हमारी स्पेशलिटी में दो तरह के मरीज होते हैं, एक जो प्रेग्नेंट है और एक जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज होती है। सबसे पहले मैं आपसे प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में कुछ चर्चा करती हूँ। प्रेगनेंसी में 1.5 से 3 महीने की जो शुरुआती प्रेगनेंसी होती है वो बहुत एक नाजुक टाइम होता है। इस समय मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी गर्भवती महिला अकारण घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय ना ही केवल COVID-19 बल्कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनके और उनके बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इसी समय उस बच्चे का दिमाग और बाकी अंगों का विकास हो रहा होता है। ऐसे लेडीज़ को 1.5 से 2 महीने के बीच में किसी भी अच्छे अस्पताल में जाकर अपना पूरा मेडिकल चेकअप, अपनी सारी खून की जांचें और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। उन्हें इस अल्ट्रासाउंड में सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ है और मरीज़ को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 4 से 6 महीने की गर्भवती लेडीज़ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लगभग 5वें महीने के आसपास एक बार अपने हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल चेकअप, खून की जांचें और एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बेहद ज़रूरी होता है। इस समय में जो नवजात बच्चा होता है उसमें किसी भी तरह की विकास की या जन्मजात बीमारी होती है तो उसके बारे में पता चलता है। 7 से 9 महीने की लेडीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो लगभग 8वें महीने में अस्पताल जाएँ और अपनी सारी चेकअप और अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएँ। इसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर उनको बुलाए उनको उसी तरह से जाना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हर गर्भवती महिला को अपने खान पान का विशेष करके ध्यान रखना है। उन्हें इस समय अंकुरित मौठ, हरी सब्जियां, नींबू पानी, दाल, ये सब ज़रूर अपने एडिक्वेट प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। उनको इस समय आराम से 8 से 10 घंटे का नींद भी लेनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि जैसे जैसे डॉक्टर उनको एडवाइस करे दवाइयाँ वो भी वो ज़रूर लें। इसके अलावा उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पेशेंट की भी डिलीवरी होने वाली है वो लगभग डिलीवरी से 15 दिन पहले स्पेशल क्वारंटाइन में घर में ही चली जाए। इसका मतलब है कि घर में जो भी लोग आते जाते हैं उनसे वो कम से कम मिले और उचित दूरी बनाए रखें। इसी को स्पेशल क्वारंटाइन कहा जाता है। ये भी ज़रूरी है कि डिलीवरी के लगभग 15 दिन पहले महिला के घर वाले ये सुनिश्चित करें कि कम से कम ऐसे 2 अस्पतालों जहां महिला की डिलीवरी करवाई जा सकती है। इसका कारण है क्योंकि कोविड महामारी इस समय पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में कब पहुंच रही है, तो ऐसा ना हो कि जिस मरीज़ को आप जिस हॉस्पिटल में दिखाते थे वो COVID-19 की वजह से सीक हो जाए और अंत के समय में आपको भागदौड़ करनी पड़ जाए। इसलिए आप 2 हॉस्पिटल्स भले ही फ़ोन से पूरे समय संपर्क में रहें, जिससे कि अगर एक हॉस्पिटल के कारण में नहीं जा सकते आप तो दूसरे हॉस्पिटल में मरीज़ की आराम से डिलीवरी हो सके। इस समय हर गर्भवती महिला को डिलीवरी डेट के लगभग 1 हफ्ते पहले या जब डॉक्टर उनको सलाह दे अपना COVID-19 टेस्ट ज़रूर कराना है, क्योंकि उसी टेस्ट के बाद ही कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी हो रही है। एक बहुत कॉमन बात जो हम लोगों ने देखी है कि मरीज़ के घर वाले बिना किसी तैयारी के ही डिलीवरी या ऑपरेशन के लिए आ जाते हैं और उसके बाद मरीज़ और उसके बच्चे को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। इसलिए जब हमें पता है कि इस लेडीज़ की डिलीवरी लगभग 15-20 दिन में होने वाली है तो हमें घर में एक इमरजेंसी बैग तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें कि ज़रूरीमंद सामान रख लेने चाहिए जिससे बाद में किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। डिलीवरी के बाद बच्चे को माँ का दूध ज़रूर दें। ये कभी हमेशा से ही कहा गया है कि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत समान है। जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक वास्तव में कोई गंभीर समस्या ना हो वे हॉस्पिटल तब तक ना आए और सारे मरीज़ों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स, पुरानी सारी खून की जाँचें, अल्ट्रासाउंड लेकर ही हॉस्पिटल आना चाहिए। इससे हमारे हॉस्पिटल में उनको इलाज करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। हर मरीज़ को अपना आधार कार्ड भी लाना चाहिए। FH मेडिकल कॉलेज में हमारी स्पेशलिटी में रोज़ ही OPDs, अल्ट्रासाउंड और सर्जरीज हो रही हैं। हम लोग टेलीमेडिसिन द्वारा भी
सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मरीजों से संपर्क में रह रहे हैं, जिसका नंबर मैं आपको बताती हूँ, वो है 9421255136 9412755136। हमारा पूरा डिपार्टमेंट हर तरह से मरीजों की सेवा में तत्पर है और हमारे पूरे डिपार्टमेंट को COVID-19 की ट्रेनिंग दी गई है। एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, कोई भी बीमारी हमको तब तक बीमार नहीं बना सकती है जब तक हमारा मन स्वस्थ हो। इसलिए इन मुश्किल घड़ियों में भी अपने मन की शांति, धीरज और हिम्मत रखिए, भगवान में भरोसा रखिए। खास करके गर्भवती महिलाएं जिनकी कोख में एक नव जीवन का निर्माण हो रहा है, ये ज़रूरी है कि हम सभी एक सकारात्मक सोच और एक हंसमुख वातावरण को बनाने में कोशिश रखें। मैं अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। शुक्र कर तू रब का, तू अपने घर में है, पूछ उनसे जो अटका सफर में है। तेरे घर में राशन है साल भर का, तू उसका सोच जो दो वक्त की रोटी के फिक्र में है। तुझे किस बात है जल्दी गाड़ी में घूमने की, फिलहाल तो सारी कायनात ही थम सी है। अभी भी किसी भ्रम में मत रहना, इंसानों की नहीं सुनती कायनात, आजकल अपने ही सुर में है। थैंक यू।